on boy very rare case milta hai ki tumne cut off clear kar liya that definitely you will get NIT that you are totally wrong yaar. Hello everyone, so guys welcome to my YouTube channel. और जैसा कि मैंने बोला था कि मार्च सेशन के एंड होने के जस्ट बाद मैं लेकर आऊंगा स्कूल वर्सेस परसेंटाइल का पूरा चार्ट, ठीक है. सो गाइज ये रहा आपका चार्ट और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इफ यू आर स्कोरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मार्क्स इन योर जेई मीन्स दैट हाउ मच परसेंटाइल यू आर गेटिंग इन योर एग्जाम्स. ओके सो गाइज ये सिंपल डाटा है, ठीक है, और इस डाटा को मैं बताता हूँ. और गाइज मैं चाहता हूँ कि तुम बताना कमेंट में कि तुम्हारा कितना स्कोर यू वट हाउ मच मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल स्कोर इन दिस एग्जाम सो दैट आई विल गिव यू आई विल टेल यू वट परसेंटाइल यू आर गेटिंग फ्रॉम NTA. ओके सो गाइज जस्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अगर हमारा -10 से 0 नंबर आता है तो 0.25 से 0.8435 परसेंटाइल तक होगा, ठीक है, ये अप्रॉक्स डाटा है, ठीक है. फिर से 0 से 10 अगर मार्क्स होता है तो 0.8435 से 9 पॉइंट, तुम देख सकते हो 0.8435 से 9.6954, 10 से 20 होगा तो 13 से 33, 21 से 30 होगा 33 से 56, एंड 30 से 40 होगा तो 56 से 80, 41 से 50 तो 82.80190 से 86.9076 तक होगा, ठीक है. 80 से 70 होगा तो 86.9079 से 90.7022. ओके देन अगर 70 से 80 मार्क्स इफ यू आर स्कोरिंग 70 टू 80 मार्क्स बिटवीन में तो 91% से 93% तक चला जाएगा. सो गाइस अगर तुमको जनरल का कैटेगरी रैंक और कट ऑफ क्लियर करना है तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70 to 80 marks you have to score to clear the cutoff. Okay, cutoff चूंकि 90% रहता है, 90% होता है, कभी 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 89% होता है, so यही वैरी करता है, ठीक है. 120 से 130 स्कोर करोगे तो 93.9999 से 94.0001. ओके देन अगर 130 से 150 के बीच में स्कोर करते हो तो मार्क्स तो यू विल गेट 94% से 94.9999% स्कोर करोगे तो 94.99 से 95.99. यस गाइस अगर 95% स्कोर करना है तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 160 मार्क्स इन योर जेईई मेंस एग्जाम. ओके 170 से 190 स्कोर करना चाहते हो अगर स्कोर करते हो तो यू विल गेट 95 से 96%. ओके आई टॉक टू माई फ्रेंड ही टोल्ड दैट ही गॉट 170 मार्क्स एंड देन ही हैज गॉट 96%. यस गाइस इस चार्ट से देख सकते हो 170 मार्क्स में 96% परसेंटाइल मिलता है, ठीक है. 190 से 96.97 तक, ठीक है. 200 से 220 97 से 99% तक, 220 से 250 गाइस 200 के बाद बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है, 99% में पॉइंट्स में बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है. 220 से 270 तुम देख सकते हो 99.0341 से 99.343, 270 प्लस करोगे तो 99.343 से 99.543 तक रहेगा, ठीक है. 290 प्लस 99.593 से 99.743, और अगर 300 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो ना यार तो यू विल गेट 99.9999 ऑन वेरी वेरी रेयर केस यू विल गेट 100%. सो गाइस 90% के बाद बहुत कंपटीशन टफ हो जाता है. सो गाइस अच्छे से प्रिपेयर करो और ये हमारा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का चार्ट. ओके सो गाइस जस्ट कट कट ऑफ फॉर जेईई मेंस 2021 एससी सी कॉमन रैंक लिस्ट अगर सीआरओ रैंक आया तो 90.4756335% से ज्यादा होना चाहिए तुम्हारा, या इतना इससे कम होगा तो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, यू आर नॉट बी एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस. ओके फिर जनरल ईडब्ल्यूएस 70.2435518 गाइस दिस डिजिट्स आल्सो मैटर्स, ठीक है. अगर यहां पे 18 है 187 हो उसका यू विल नॉट बी क्वालिफाई. ओके सर देन अदर बैकवर्ड क्लास 72.8888295. ओके देन सिल्वर कास्ट ST 50.1760295 ST that is 40.0696101. Yes guys, these type of cutoffs ये पूरा basis है 2020 के September और January session, फिर से 2019, 2018 उनको basis बनाकर ये cutoff बनाया है, और देखना NTA वाले भी इस बार का cutoff यही रखने वाले हैं, ठीक है. Now PWD में देख सकते हो 0.0618524. Yes guys, और guys अगर तुमको लगता है कि तुमने cutoff clear कर लिया then definitely you will get NIT. That
यू आर टोटली रॉन्ग यार. एनआईटी क्लियर करने के लिए यू हैव टू स्कोर 95 एवर परसेंटाइल. ओके, तुम 90 परसेंटाइल लेकर आए हो, 92, 93, 94 नहीं होगा कट ऑफ क्लियर. कट ऑफ क्लियर हो जाता है बट एनआईटी नहीं मिलेगी, कहीं की भी एनआईटी नहीं मिलेगी, कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, यू विल गेट सम लोअर ब्रांचेस, ओके, बट अगर अच्छा ब्रांच चाहिए, अच्छे एनआईटीज चाहिए, तो यू हैव टू स्कोर 95%. और अगर तुम होम स्टेट में हो, तो गाइस कल ही मेरे को कमेंट मिला कि भैया मैं होम स्टेट में हूँ, मेरा इतना परसेंटाइल आ रहा है, मेरा क्वालिफाइड, मेरे को एनआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो बिल्कुल मिल जाएगा यार. देखो अगर तेरा होम स्टेट है, अगर बहुत ऐसे ऐसे होम स्टेट हैं जिनका जिनके एनआईटी के रैंक बहुत ऊपर पर जाते हैं, ठीक है, बहुत वैराई करता है वहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लेस बाय प्लेस वैराई करता है तुम्हारा. अगर तुम दिल्ली में जाओगे, नॉर्थन साइड में जाओगे, तुर्की, ये सब में तुमको बहुत 95 एनआईटी भी चाहिए, तुम्हारा होम स्टेट है, फिर भी तुमको 97-98% चाहिए अच्छे ब्रांचेस के लिए. ओके, सो गाइस मैं ट्राई किया था कि इस वीडियो के थ्रू सब कुछ डिटेल में बता दूं, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं बता रहा हूं तुमको, क्वालिफाइंग रैंक, कट ऑफ बता दिया, फिर से परसेंटाइल बता दिया, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और रैंक वर्सेस परसेंटाइल का एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा. गाइस कमेंट में बताना जो हाउ मच मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग, और उसके हिसाब से मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारा परसेंटाइल कितना होगा. ओके गाइस, सो थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज टिल जोसा काउंसलिंग, और अभी तुम्हारे प्रिपरेशन में मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ, जोसा काउंसलिंग भी होगा तो उसमें भी मैं तुमको बहुत हेल्प करने वाला हूँ. ठीक है, थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ.